हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन कोरमा। इसकी ग्रेवी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही रिच है। आइए हम इसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए लिया हमने 750 ग्राम चिकन, दो बड़े प्याज पीसे हुए, आधा कप तेल, 20 से 25 बादाम छिले हुए, 20 से 25 मसाले में हमने लिया है हरी मिर्चें 8 से 10, एक चम्मच कुटा हुआ धनिया, एक चम्मच जीरा कुटा हुआ, एक जावित्री का टुकड़ा, एक दालचीनी, दो तीन लौंग, एक बड़ी इलायची, तीन छोटी इलायची, 10 से 20 काली मिर्चें। कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप तेल, इसमें जाएंगे हमारे खड़े मसाले, खुशबू आने तक इसको फ्राई करेंगे, फिर इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। प्याज अच्छे से भून गए हैं, अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जाएंगे दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे इसको। इसको हमने पकाना है 10 मिनट ढक के। चिकन में अच्छा हमारा पानी हो गया है। अब इसमें हमारे जाएंगे मसाले, कुटा हुआ जीरा, कुटी हुई धनिया और हरी मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्च। ज़्यादा मसाले इसमें हमने नहीं यूज़ करने हैं। अच्छे से चलाते हुए इसको भून लेंगे। इसको हमने ढक के 10 मिनट पकाना है मीडियम आंच पे। चिकन का हमारा अच्छा कलर देखिए धीरे धीरे आ रहा है। अब इसमें हम डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट, जो हमने काजू बादाम लिया था उसका हमने पेस्ट कर लिया है, इससे इसमें क्रीमी टेक्सचर आएगा। इसमें जाएगा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। ढक के इसको फिर से 5 मिनट के लिए पकाना है। चिकन हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप दही जो हमने फेंट के रखी हुई है, 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं इसमें, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तेज़ आंच पे चलाते हुए दही को भून लेंगे, नहीं तो दही का पानी अलग हो जाएगा। इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से ऊपर तेल ना आ जाए। किनारों से अच्छा तेल निकलना शुरू हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप क्रीम। अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। ग्रेवी हमारी बिल्कुल देखिए तैयार हो गई है, शानदार क्रीमी। इस स्टेज पे आप चाहें तो आधा कप पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो। इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी, थोड़े धनिया के पत्ते कटे हुए,
अच्छे से चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। इस तरह से वाइट चिकन कोरमा बनाएंगे तो उम्मीद है सबको पसंद आएगा। अब इसको हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। बढ़िया शानदार वाइट चिकन कोरमा तैयार है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। शुक्रिया।